हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे, मैंने एक दिन पहले दूध से पनीर निकाला था, तो मैं उसकी मिठाई बना रही हूँ, रसगुल्ला, क्योंकि पीयू को रसगुल्ला पसंद है। वो छेना देखते ही रसगुल्ले के लिए रोने लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध से निकाला था, इसमें लगभग मीडियम साइज़ के 15 रसगुल्ले बने थे। और यहाँ पे इसके पहले मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार शेयर करना अच्छा नहीं लगता ना, बार बार एक ही चीज़ क्या दिखाएं आप लोगों। और 1 कटोरी चीनी लिया था, तो उसमें 3.5 कटोरी हमने पानी डाला था। और जब वो खौलने लगा था, बहुत ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाना है, क्योंकि इसकी जो चाशनी होती पतली होती है। तो बस ये बॉल मैंने बनाया था, लेकिन चिपटा हो गया था, थोड़ा सा टाइम हो गया था ना, तो चिपटा चिपटा सा हो गया था। तो फिर हल्का सा गोल गोल करके मैं डाल दूँगी, और बिल्कुल फुल आँच पर कम से कम 7-8 मिनट पका दूँगी। उसके बाद धीमी आँच कर दूँगी, और धीमी आँच पर लगभग 8-10 मिनट धीमी आँच पर भी पकाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फुल आँच है, और यहाँ पे देखिए दुगने साइज के हो चुके हैं, अच्छे बने थे। मतलब अभी तक तो मैंने जितनी बार ट्राई किया है, हर बार मेरा अच्छा ही बना है। और अगर इसे 5-6 घंटे बाद खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैक्सिमम पीहू ही खाई, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है। और बस कुछ देर बाद मैं गैस बंद कर दूँगी, और अच्छे से हो चुका था, और हम लोगों ने फ्रिज में रख के खाया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। गुड मॉर्निंग, बज रहे सुबह के 6:15। मिट्टू जगी थी अभी, मिट्टू को किसी से ठोक ठाक के सुलाया है, लग रहा है ज़्यादा देर नहीं सोएगी, फिर जग जाएगी। और इनके पापा गए दूध लेने, इसी वजह से मेरी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो जब दूध लेने जाते हैं ना, किटकट कुट इधर उधर करते रहते हैं ना, तो मेरी नींद खुल जाती है। और मैक्सिमम आदत भी है 6:15-6:30 बजे तक नींद खुल जाती है। बहुत रेयर केस में इसके बाद नींद आती है, या तो बहुत ज़्यादा 7, पहले 7, 7:30 हो जाता था, लेकिन अब अपने आप नींद खुल जाती है, क्योंकि पता रहता है ना सुबह हम काम है, तो फिर नींद नहीं आती है। और अगर लेट सो जाओ तो फिर इनको दिक्कत होने लगती है। तो मैं जग चुकी हूँ, और पानी आ रहा है, और रात में इतनी गर्मी थी बता नहीं सकती। रात में क्या, अभी भी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, लग रहा बारिश रुकी कि क्या, एकदम उमस वाली इतनी गर्मी है ना, एकदम चिप 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 बता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। और कल रात में हम लोग नहाए, मतलब मैं और मिट्टू, कल शाम को पानी आ रहा था, तो हम लोग ठंडा ठंडा पानी से नहाए, कल शाम में बाल धुले, बाल तो आज धुलने वाले थे, लेकिन इतनी गर्मी थी ना, बाल पूरा भींग चुका था और अजीब हो गया था। तो फिर रात में ही हम मिट्टू नहा लिए, कभी भी बेडरूम में नहीं सोते थे, उस रूम में सोते थे जो बाहर है ना रूम, उसमें सोते थे। और उसमें हमेशा, चाहे जितनी भी भयंकर गर्मी रहती थी, पंखा चला के सोते थे, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और भोर में पंखा हमेशा स्लो करना पड़ता था, चादर ओढ़ के सोना पड़ता था। वो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि वहाँ पे बुरा ना सीलन है उस रूम में, इसलिए उस रूम में कभी गर्मी होती नहीं है। लेकिन कोरोना की वजह से ना उस रूम में जा नहीं सकते, इनके सारे कपड़े जो भी बाहर से सामान आता है उस रूम में रहता है। तो अब उस रूम में इस साल तो सो नहीं पाएंगे, अब भगवान जाने इस साल क्या होगा हालत। क्योंकि जब भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, तो कूलर से भी, एक तो फाइबर का कूलर ठंडा भी नहीं करता, लोहे वाला रहता है तो वो अच्छा रहता है, और कूलर की साइज भी छोटी इसलिए है क्योंकि इन्वर्टर से चलता है, तो छोटा लिया गया कि इन्वर्टर से 2-2, 3-3 घंटे लाइट कट जाती, तो बच्चे लगते हैं इधर से उधर करने, तो फिर छोटा वाला कूलर लिया था कि इन्वर्टर से अच्छे से चल सके, तो 3 घंटा इन्वर्टर से आराम से चलता है। लेकिन फिर भी मुझे तो सबसे अच्छा उस रूम में लगता है, लेकिन अब उस रूम में नहीं सो सकते। और मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि अब सूर्य भगवान निकल रहे हैं, और सबसे पहले मेरे आंगन में ही आते हैं, और आंगन में आते हैं तो उसके बाद तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा काम वाम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और आज मेरा काइंड मास्टर सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कम से कम मैं 2 घंटे से लगी हूँ इस वीडियो को एडिट करने में, इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वीडियो डालूँ, लेकिन गैप हो जाता फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर सोचा चलो डाल ही देती हूँ। पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, कई बार वॉइस ओवर गलत हो जा रहा है, कई बार वीडियो चल ही नहीं रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुबह का टाइम है, मैं घुघरी बना रही हूँ और अपने हस्बैंड से बात भी कर रही हूँ। और पता है आज कई बार, कम से कम आप ये कि नहीं कीजिएगा, मैं 2 घंटे से एडिट कर रही हूँ और हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। बस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि गैप ना जाए, मैं नहीं चाहती कि गैप हो जाए,
लेकिन लग रहा है फिर से मुझे पावर डायरेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सही नहीं काम कर रहा है, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मैं घुघरी में प्याज वगैरह डाल करके छौंक दी हूँ, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत भयंकर वाली गर्मी है। तो इन्होंने बोला बॉयल कर दो, लेकिन मैंने बोला नहीं बॉयल अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, तो थोड़ा सा मसाला डाल करके, प्याज ज़्यादा डाला है, प्याज थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल करके बनाऊँगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी। और 2-3 सीटी दिया था मैंने, और आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि मेरी हालत क्या हो रही है, मेरी क्या सबकी हालत ख़राब है इस टाइम, क्योंकि जो भयंकर वाली गर्मी है ना कि बता नहीं सकते, एकदम अजीब। यहाँ तक कि मिट्टी की तो तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रही है गर्मी की वजह से ना, मिट्टू का पेट उट भी सही नहीं चल रहा है। और यहाँ पे मेरा हो चुका है, और इनको मैं दूंगी खाने के लिए, और ये नाश्ता करके चले जाते हैं। क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है, तो मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और जो मैंने संतरे का छिलका पीस के बनाया था ना, वो लगाने जा रही हूँ। इधर ना 10-15 दिन से मैंने कुछ भी फेस में नहीं लगाया है, और गर्मी बढ़ चुकी है, बहुत भयंकर वाली गर्मी है, बता नहीं सकते, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और इनके पापा कल काम पे गए थे तो भाग आए, 10-11 बजे तक भाग आए। मैंने पूछा क्या हुआ, काम बंद है क्या? नहीं, इतनी गर्मी है ना कि चक्कर खा के गिर जाते, तो तुरंत चले आए। और ये मैं बहुत दिन बाद लगा रही हूँ, और अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। मैं सोच रही हूँ फ्रिज में ना, फ्रीजर में रख दूँ पानी और नींबू, अच्छे से रख दूँ ताकि वो जम जाए, और उसके बाद मैं आइस मसाज करूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत होती है, उससे अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सा। जा रही हूँ बाल बांधने, क्योंकि कल का बाल धुला हुआ अभी मैंने नहीं झाड़ा हुआ है बाल को, और ये मेरा क्लचर टूट गया है, और देखते हैं फेविक्विक आएगा तो मैं इसको चिपकाऊंगी, आने के बाद मैं चावल रखूंगी जो भी होगा। अभी दाल वगैरह फ्राई करना है, सबसे पहले नहा लेते हैं। और बाल अच्छा बताना, गर्मी में कौन कौन बाल में तेल लगाता है? क्योंकि ना मैं ठंडी में लगाऊँ चाहे ना लगाऊँ, मतलब ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मैं बाल में तेल जरूर लगाती हूँ, और ज़्यादा नहीं, हल्का सा तेल, क्योंकि बिना तेल लगाए मेरा बाल मैं नहीं झाड़ पाती गर्मी में तो बिल्कुल नहीं। और क्योंकि ना बिना तेल लगाए अगर मैं बाल कंघी कर लेती हूँ तो बाल पूरा उड़ उड़ के आता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैं तेल ज़रूर लगाती हूँ। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? जब भी झाड़ती हूँ ना, मेरा मन नहीं करता झाड़ने का, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, और केयर नहीं कर पा रही हूँ। मेहंदी है मेरे पास, मेहंदी है, आंवला सब रखा हुआ है, लेकिन लगाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं नहा करके ना आपसे बात करती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये 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 आ गई क्या? ये दीदी ने मारा, दीदी ने मारा, बहुत शैतान हो गई है मिट्टू। पियो नहीं, परेशान नहीं करो, मम्मा बात करने को बच्चा, मम्मा को बात करने दो। अरे मम्मी कभी नहीं बोलते, हाँ बता दो। अरे जल्दी से बोलो ना। अरे बात करने दो, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी फिनिश कर देती हूँ। चुप रहो। सबसे पहले मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं अरुण मिश्रा नाम से, वो हमेशा कमेंट करती हैं इसी आईडी से, और ये इनके हस्बैंड की आईडी है। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो डियर आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं,
और आप कौन सी मैरिज एनिवर्सरी ये जरूर बताइएगा वीडियो में, अच्छा लगेगा। और आप अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें। क्या 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 हाँ। और किसी ने मुझसे पूछा था, जानना भी चाहते थे मेरे फ्रेंड, कि तुम्हें मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट क्या मिला, जीजा जी ने क्या दिया। तो मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जीजा जी ने कुछ भी नहीं दिया, बुद्धू बना दिया। वैसे मेरी छह साल हुए, लेकिन पांच बार हमें एनिवर्सरी पांच आई, तो उसमें से दो बार ऐसा हुआ है कि तुरंत एनिवर्सरी पे मिला है, एक बार एनिवर्सरी से 2 महीने पहले मिल चुकी है, और 2 बार ऐसा हुआ कुछ भी नहीं मिला। और 2 बार कैसे, 1 बार 5 हुआ ना, तो 2 बार मिला, एक बार 1 महीने पहले मिला और इस बार एक बार। और पहली एनिवर्सरी पे कोई भी गिफ्ट नहीं मिला था, क्यों परेशान मत करो। और इस एनिवर्सरी पे भी कुछ भी नहीं मिला। अभी एक दिन पहले कह रहे चलो प्रज्ञा तो मैं स्विट्जरलैंड घुमा दूँ, ऐसे ही कहते रहते हैं। मतलब अभी तो एक दिन कह रहे तुम्हारी छठी मैरिज एनिवर्सरी पे तुम्हें मंगलसूत्र दूंगा। मैंने बोला अच्छा, फिर मुझे याद है मेरा तो बीत गया, फिर हंसने लगे। तो बस अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ गिफ्ट नहीं मिलेगा, तो कहते तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा रहा हूँ। बस ऐसे ही बुद्धू बनाते रहते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि 5-6 साल तक मुझे कोई मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि हम थोड़ी सी खराब है, आर्थिक स्थिति डबाडोल हो चुकी है घर बनवाने के चक्कर में, और अभी बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि इनके पास पैसे नहीं है, होते हैं तो तुरंत दे देते हैं, मना नहीं करते। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या मिल रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे ताजमहल दे रहे हैं, मतलब घर दे रहे हैं। कम से कम 5-6 साल हस्बैंड ऐसे मुझे बेवकूफ़ बनाएंगे कि घर बनवाया घर बनवाया घर बनवाया। तो चलिए इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बाप रे इसको गुस्सा दे, अरे 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 अरे।